गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 11th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फिजिकल वर्ड चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल वर्ड में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स को बता दिया, और फिजिकल वर्ड में ही हमने आपको टाइप ऑफ मतलब फिजिकल वर्ड में हमने आपको क्लासिफिकेशन फिजिक्स में और सोसाइटी में क्या क्या यूज हैं फिजिक्स के, उन सबको समझा दिया। आज हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। बहुत अच्छा टॉपिक है, आइए देखिए। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, हाँ जी, फंडामेंटल फोर्स, इसको अपन लोग फंडामेंटल को हम लोग बेस भी कहते हैं। बेस, बेस का मतलब होता है आधार, ठीक है। और फंडामेंटल फोर्स यानी बेस फोर्स, यानी कि आप ये समझ लीजिए ऐसे फोर्स जिनको आप ये मान लीजिए ये तो रहेंगे ही रहेंगे आपके उसमें। फंडामेंटल फोर्सेज आर द बेसिक फोर्सेस, है ना, ये बेसिक फोर्स है। दीज फोर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी से या किसी और फिजिकल से का रिलेशन नहीं है। ये माना गया है कि ये फोर्स तो लगते ही लगते हैं कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले नंबर पे आपका आता है, चार है ये, सबसे पहला नंबर है देखिए, फिजिक्स में आप कई तरह के फोर्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे, विस्कस फोर्स पढ़ेंगे, टेंशन पढ़ेंगे, बट दीज नॉट आर द फंडामेंटल फोर्सेस। ये फंडामेंटल फोर्सेस नहीं है, फंडामेंटल फोर्स तो वो हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जिन्हें किसी और फोर्सेस की हेल्प से प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। ये लगेंगे लगेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स आप सब जानते हैं, ग्रेविटी तो हर हाल में, ग्रेविटी के लिए तो ग्रेविटी तो आपकी हर हाल में लगेगी। मैं आपको बताया था ग्रेविटेशन फोर्स होता है एम बराबर जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। जी आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, M1, M2 आपके मासेस हैं, R आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। G आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, M1, M2 मासेस है और R आपकी डिस्टेंस है। अब ग्रेविटेशन फोर्स ही है जो लगता है, आप चाहे कुछ भी समझ लीजिए, मतलब ये मान लीजिए कि आपको ऊपर से आप नीचे ही आएंगे, मार्कर ऊपर से नीचे ही आएगा और ये लगेगा ही लगेगा, और ग्रेविटेशन फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है मासेस, और मास तो है ये पृथ्वी, पृथ्वी में भी द्रव्यमान है और उस पिंड में भी द्रव्यमान है, जिस पिंड में द्रव्यमान होगा उसे पृथ्वी अपनी ओर खींचने की कोशिश तो करेगी अगर दूरी ज्यादा नहीं है तो। आर दूरी है, देखिए अगर दूरी ज्यादा होगी तो ये बल का मान यानी फोर्स का, फोर्स की जो वैल्यू है आर ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू कम आएगी, इसलिए कोशिश ये कीजिए आर कम होगी तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है, इसका कोई किसी और फोर्स की हेल्प से ये प्रोड्यूस नहीं होता है, और एफ बराबर इसकी वैल्यू होती है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जितना ज्यादा मासेस उतना ज्यादा ग्रेविटी, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम ये फोर्स। मास ज्यादा होंगे एम वन एम टू का मल्टीप्लाई है, फोर्स ज्यादा होगा, आर ज्यादा होगा तो ज्यादा क्वांटिटी में डिवाइड लगाएंगे, एफ की वैल्यू कम आएगी। तो ये आपका ग्रेविटेशन है, ठीक, ये आपका डिस्टेंस है, ये m1 m2 मासेस है। और ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में मैं बता दूं, इट्स अ वीक फोर्स, ये आपका एक तरह का कमजोर है, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट्स अ वीक फोर्स, ये वीक फोर्स है। जैसे मान लो मुझे अपनी टांग उठाना हो तो मैं अपनी टांग आराम से उठा सकता हूं, आपको उठाना हो तो भी आप उठा सकते, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता
तो भाई साहब हमारा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट्स अ वीक फोर्स, नेचर में ये वीक फोर्स है और ये सेंट्रल फोर्स है। ये बात पर हम बाहर ही समझेंगे, बाकी वीक स्ट्रॉन्ग तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहले नंबर का फोर्स था ग्रेविटेशन फोर्स, एक बार इसे देखिए फिर आगे चलते। चलिए सर दूसरा देखिए आप लोग, ये तो ग्रेविटेशन फोर्स था, दूसरा है आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में रहता है, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि दो चार्जेस के बीच में तो या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। और आपको ये भी बता चुका हूं कि अगर किसी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस रहता है। ये भी बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसा ही है, और इसकी वैल्यू होती है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था वो था GM1 into upon R स्क्वायर। K यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि एक फिक्स वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹। Q1 और Q2 आपके क्या है? चार्ज है। और R क्या है आपकी? डिस्टेंस है। हाँ ये एक बात और बता देते हैं, ग्रेविटेशन का फोर्स जो था वो अट्रैक्शन का फोर्स था। क्यों? मासेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, किसी ऑब्जेक्ट का मास नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन का था, लेकिन ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का। ठीक, ये भी ग्रेविटेशन फोर्स की तरह वीक फोर्स है, ये भी फंडामेंटल फोर्स है, किसी और फोर्स की हेल्प से प्रोड्यूस नहीं किया जाता। ठीक है, केवल इस फोर्स में और ग्रेविटी में ये फर्क है कि यहां मासेस आते हैं, यहां चार्जेस आते हैं, यहां कांस्टेंट के आता है, वहां कांस्टेंट जी आता था। ठीक, देखने में एक से लग रहे दोनों, पर हां ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क मान लीजिए आप इसका, कि ये तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों तरह से काम करेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं, जबकि मास जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, तो मास में तो खाली ये सिर्फ क्या करेंगे? अट्रैक्शन ही करेंगे। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका है। ठीक है, ये भी आपका वीक फोर्स है, नेचर में वीक है। और वीक फोर्स के साथ साथ इसकी रेंज, रेंज में से तो मैं बता दूं आपको, रेंज होती है कहां तक ये फोर्सेस लगते हैं। ये 10⁻¹⁵ मीटर टू इंफिनिटी तक काम करते हैं, यानी कि कोई और छोर नहीं है, एक बार लगा इंफिनिटी का चक्कर है। ग्रेविटेशन फोर्स में बताना भूल गया था, ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज इतनी ही होती है, और ये नेचर में पाया जाने वाला दूसरा फंडामेंटल फोर्स है। इस चैप्टर में से जब भी कभी कोई क्वेश्चन आया है तो यही क्वेश्चन आया है फंडामेंटल फोर्सेस का। ठीक है, तो एक बार देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस बताया था मैंने आपको, एटम के अंदर एक ऐसा पार्ट, ऐसा जगह होती है, ऐसा प्लेस होता है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड रूप से हम लोग न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच यू स्टडी, सॉरी न्यूक्लियर फोर्स इज अ फोर्स which is act between proton proton। ये proton proton के बीच में लगेगा, proton neutron के बीच में लगेगा, और
जैसे ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन के बीच में लगा, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, और Na ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए, यानी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, चार्जेस वगैरह नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच। और आपको बता दूं इससे पहले जो आपने दो कोर्स पढ़े थे कौन कौन से, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दोनों वीक फोर्स थे, बट इस दिस इज फोर्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स है यानी बहुत मजबूत, आप न्यूक्लियस में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकाल नहीं सकते, इतना तेज इनको बांध के रखता है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये कैसा फोर्स है आपका, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स। और एक बात, स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और एक बात हाँ, इसकी रेंज बहुत कम है, लेकिन रेंज यानी ये सिर्फ केवल न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव इनसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज जीरो, ठीक है। और एक बात, जिस तरह से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा या ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा, उनका एक फॉर्मूला था, इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक, इसका कोई ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, किसकी तरह, न्यूक्लियर फोर्स की तरह। आप सोच रहे होंगे सर इसका क्यों नहीं है, तो आपको बता दूं क्योंकि अभी इस पर रिसर्च वर्क चल रहा है, इट्स ओपन ब्रांच, मतलब देखिए ये मॉडर्न फिजिक्स है आप जानते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स तो टिल टुडे आज तक आ रही है, तो इस पर रिसर्च वर्क चल रहा है, तो अभी इसका कोई डेफिनेट फॉर्मूला देना भी संभव नहीं हो पाया। तो सर में आ गया होगा प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है, न्यूक्लियस एटम के अंदर एक ऐसा प्लेस होता है जिस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन प्रेजेंट होते हैं, और सर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये अर्थ पर प्रेजेंट सारे फोर्सेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और रेंज इस फोर्स की जो है न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो बहुत कम है, इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियर फोर्स इज मैक्सिमम, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स मैक्सिमम होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियर फोर्स इज जीरो, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर फोर्स आपका जीरो होता है। तो ये तो रहा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, आइए आगे चलते हैं, एक बार देख लीजिए इसे, लास्ट फोर्स है आपका वीक फोर्स, इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, बट सब वीक फोर्स के नाम से ही आ रहा है, वीक फोर्स। देखिए भैया वीक फोर्स ऐसा होता है, ये बीटा डीके की प्रोसेस, आप मेरे को बता दूं एक ऐसी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी आपकी, यदि आपका कोई पार्टिकल रेडिएशन एमिट करने लग जाए तो उस ब्रांच को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, द ब्रांच ऑफ, मतलब कह सकते हैं कि इसमें रेडिएशन एमिट होती है, क्या एमिट होते हैं इसके अंदर, रेडिएशन एमिट होते हैं, और रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी में अपन लोग बीटा डिके की प्रोसेस, बीटा डिके की प्रोसेस या अल्फा डिके, देखिए जब हम पढ़ेंगे वैसे तो तभी समझ में आता है, मैं आपको ये बता दूं ये होने को तो लगता तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर ही है, अभी जैसे भी थोड़ी देर पहले लगा था वो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर, लेकिन ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर तो लग रहा है पर न्यूक्लियस के बाहर, यो मान लीजिए न्यूक्लियस के बाहर लगने वाला फोर्स है ये, न्यूक्लियस के बाहर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स है इसको अपन क्या कह रहे हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो एक रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस होती है जिसमें रेडिएशन एमिट होती है उसके बीच में लगता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, रेंज इसकी ज्यादा होती नहीं है और कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका है नहीं, ठीक है। तो चार फोर्स पढ़े, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा और वीक फोर्स पढ़ा, तो आई थिंक आपको ये काफी हद तक समझ में आ चुका होगा। इसके बाद जो अगला हमारा जो वीडियो रहेगा वो लास्ट रहेगा इस चैप्टर का, है ना, तो ये चैप्टर आप लोगों का थ्योरेटिकल था जिसमें ये बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाया आज आपने, फंडामेंटल फोर्सेस, इसको कई बार स्टडी कीजिए, ये बहुत आसान टॉपिक भी है, ऐसी कोई बात नहीं है,
ये आ जाएगा आपको समझ में। ओके आज के लिए बहुत है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।